सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सॉर्टिंग का यूज हम क्यों करते हैं एक्सेल में। बेसिकली सॉर्टिंग को सिक्वेंसली हम डेटा को अरेंज करने के लिए करते हैं। हम इसका यूज सब टोटल जब लगाते हैं उसमें भी करते हैं, पाइवोट में भी करते हैं, ताकि डेटा सिक्वेंसली नेम के अकॉर्डिंग या मंथ के अकॉर्डिंग या डेट के अकॉर्डिंग सिक्वेंसली अरेंज हो जाए। तो सॉर्टिंग करने के लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग डेटा को बिना सिलेक्ट किए भी सॉर्टिंग का कमांड अप्लाई कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपको डेटा पे। अगर डेटा आपका सही है, मतलब कि इसमें कोई भी रो ब्लैंक नहीं है, पूरी की पूरी रो ब्लैंक नहीं है, तो इसको आप बिना सिलेक्शन किए भी सॉर्टिंग, फिल्टर, पाइवट तीनों अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बीच में किसी ने ब्लैंक कर दिया है, अगर यहां पे हम डेटा को, अगर डेटा को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो हमारा कंट्रोल एक कमांड पे चलेगा और सिर्फ जहां पे ब्लैंक है, ब्लैंक रो से ऊपर की रो को ही सिलेक्ट करके उस पर ही सॉर्टिंग अप्लाई करेगा। मतलब कि पूरी की पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए, कोई एक रो अगर यहां पे ब्लैंक है, नहीं है, तो भी आपको पूरा डेटा ही ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग होगा। मतलब पूरी रो ब्लैंक जब तक नहीं है तब तक आपको सॉर्टिंग करना ही पड़ेगा। सॉर्टिंग का जो कमांड है दो जगह पर मिलता है, आपको यहां पे फिल्टर एंड सॉर्टिंग पे भी मिल जाएगा, या फिर डेटा के अंदर भी आपको शॉर्ट पे मिल जाएगा। अगर आपने कर्सर यहां पर रख रखा है, आपने ए टू जेड पे क्लिक कर दिया, तो इस कॉलम के अकॉर्डिंग आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, और नीचे पे सिलेक्ट किया जेड टू ए, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, किसी भी कर्सर रख दो जो एक्टिव सेल होगा उसके अकॉर्डिंग। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक एक कॉलम ही चलेगा, पूरा का पूरा रो आपका शॉर्ट होगा, पूरा का पूरा डेटा शॉर्ट होगा, लेकिन इस किसी एक के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मैं नेम के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा देखिए नेम के अकॉर्डिंग, लेकिन पूरा डेटा हमारा शॉर्ट होके आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नेम, पहले नेम शॉर्ट हो, फिर नेम के जो डीपीएल है या टोटल पे आउट है या मंथ है वो शॉर्ट हो, तो उस केस में हम कस्टम सॉर्ट यूज करते हैं। सॉर्ट पे जाएंगे, यहां पे सिलेक्ट करेंगे, हम सबसे पहले एसओ नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो हमने एसओ नेम सिलेक्ट कर लिया ए टू जेड। उसके बाद हमारा डीपीएल उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो, तो यहां से एक और एड लेवल करेंगे और यहां पे हम डीपीएल सिलेक्ट करेंगे और यहां पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लास्ट टू स्मॉलेस्ट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो हमारा डेटा उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। अगर डेटा मुझको मंथ बाई शॉर्ट करना हुआ, तो प्रॉब्लम यह आ गई कि अगर हम शॉर्ट में यहां पे मान लीजिए डिलीट कर देता हूं, यहां पे मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पे आपका अप्रैल पहले आएगा ना कि जनवरी, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट होता है। जब भी आप मंथ या डे, संडे मंडे इस एसटीओ को शॉर्ट करें, तो आप ए टू जेड, जेड टू ए नहीं, कस्टम लिस्ट पे जाए और यहां से सिलेक्ट कर ले अपना, या फिर आपको अपने हिसाब से सॉर्ट करना है तो आप यहां पे लिख भी सकते हो, जैसे कि आपको अप्रैल से लेके दिसंबर तक चलना है या मार्च तक चलना है, तो यहां पे अप्रैल से स्टार्ट करो, दिसंबर मार्च तक लिख दो, या फिर अगर नहीं जनवरी फरवरी करना है तो ऑलरेडी बना हुआ है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम, एंड ओके देन ओके, तो जैन पहले आएगा। तो शॉर्टिंग हम सिर्फ डेट के हिसाब से नहीं, आप चाहो तो शॉर्टिंग कलर के हिसाब से भी कर सकते हो, कि मैंने कहीं कहीं पे येलो कलर कर दिया है, मैं चाहता हूं जितने भी येलो कलर है खाए तो टॉप पे तो बॉटम पे आ जाए, तो इसके लिए भी हम शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग किस पे, कस्टमर एसओ नेम पे है, और यहां पे हम वैल्यू की जगह पे सेल कलर सिलेक्ट कर लेंगे, और यहां पे जिस कलर को हमें टॉप बॉटम करना है उसको सिलेक्ट किया, एंड ओके, यहां पे शॉर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपने कोई आइकन्स यूज कर रखे हैं आपने, तो आइकन्स को भी शॉर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई आइकन अप्लाई कर दिया हुआ है, यहां से मैंने आइकन अप्लाई कर दिया, तो आइकन के हिसाब से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम शॉर्ट हमने डीपीएल सेलेक्ट किया, डीपीएल में सेल कलर की जगह मैंने कर दिया सेल आइकन, और यहां पे जिस आइकन को मैं पहले रखना चाहता हूं, फिर एड लेवल, अब यहां पे करना जरूरी नहीं है लेकिन चाहो तो कर सकते हो, तो इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो आप।
तो शॉर्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारी जगहों पे हम शॉर्टिंग यूज करते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा।